हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में लिखा है 4x³ + 3x² - 2x - 5 ऑफ dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन के सभी फार्मूलेस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहां से देख लीजिएगा। उसमें आपको इंटीग्रेशन के टोटल 50 फार्मूलेस मिल जाएंगे। वो 50 फार्मूलेस अगर आपको पता है तो आप कोई भी का इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो चलो ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले ये इंटीग्रल को हम एज अ i ले लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू, इंटीग्रल को हमने एज अ i ले रहे हैं, दैट इज ब्रैकेट के अंदर पूरा जो है वो सेम रखेंगे, 4x³ + 3x² - 2x - 5 ऑफ dx, ये एज इट इज हमने रखा है। और अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या करो, इंटीग्रल से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये सभी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो ये हम यहां पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज एक्स क्यूब। ठीक है, 4 कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने यहां पर बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ऑफ dx। ठीक है, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² ऑफ dx, -2 इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx, -5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो जब हम यहां पे लेफ्ट साइड से जब हम इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको राइट साइड से dx से भी मल्टीप्लाई करना है। ये जो dx है ये dx से सभी टर्म को हमें उधर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया है। देखो 4, 3, 2, 5 ये कांस्टेंट थे तो इनको हमने बाहर ले लिया, और अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो हम आपको फार्मूला एक यहां बताते हैं। देखो फार्मूला अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आपको अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए। तो फार्मूला ऐसा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x^n dx, ये फार्मूला हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो ये होता है x^n+1 / n+1 + c। देखो ये फार्मूला हमें यहां पे यूज करना है, काफी बेसिक फार्मूला है। ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला हम यहां पे यूज करने वाले हैं, x^n dx। देखो ये x^n के फॉर्म में है, n का वैल्यू 3 है, ये भी x^n के फॉर्म में है, n का वैल्यू 2 है, ये x^n के फॉर्म में है, n का वैल्यू यहां पे 1 है, और यहां पे तो x है ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होगा 4। ठीक है, तो यहां पे ये फार्मूला अप्लाई करो तो क्या होता है, n+1 / n+1 ऐसा। तो n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू यहां पे 3 है, तो 3+1 आपको ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x^3+1 / 3+1। ठीक है, इस तरह से हमने इंटीग्रेट कर लिए। ओके, और ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है ये सबके लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सबके लिए एक कॉमन इंटीग्रल कांस्टेंट हम एट द लास्ट लिख लेंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किए, यहां पे इंटीग्रेट करेंगे +3, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x^2+1 / 2+1। ठीक है, क्योंकि यहां पे n का वैल्यू 2 है, देखो n+1 / n+1 होता है, तो 2+1 / 2+1। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं, -2, यहां पे x का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x^1+1 / 1+1। ओके, और -5, यहां पे x है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x x होता है, तो हम यहां पे लिख लेंगे x। और एट द लास्ट हमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहां पे ले लेना है, तो हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लिए c। ठीक है, तो ये सबके लिए एक ही हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिया है, और अब इसको थोड़ा सा सेट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 4, ये हो जाएगा x^4/4। ठीक है, +3, ये हो जाएगा x^3/3, -2 x^2/2। ठीक है, -5x + c। ठीक है, इस तरह से ये हमने सेट कर लिए। क्या हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे जो कॉमन टर्म्स है उसको कट करो, यहां पे 4, 4, 3, 3, 2, 2 कट गया, और जो बचा है वो हमें बस अब यहां पे लिखना है। तो ये हो जाएगा x^4 + x^3 - x² - 5x + c। तो यहां तक हमने एक्सटेंड कर लिए, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमने इंटीग्रेट कर लिए, तो हमें ये रिजल्ट मिला है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।